3.5 साल से मैं अपना रेस्टोरेंट चला रहा हूँ। हमारे लोडेड फ्राइज हैं, स्पेशल फ्राइज हैं। अस्सलाम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? तो यार आज मैं मौजूद हूँ सलामपुरे अबू बकर रोड पे। तो ये मेरा कज़न आज मुझे लेके आया नफीस ग्रिल एंड स्पाइसी पे। के पास हैं बर्गर, शवारमा, ग्रिल बर्गर, पराठा रोल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आकिब है। आकिब भाई, तो कितनी देर हो गई आपको यहाँ पर? सर हमें हो गए हैं ऑलमोस्ट 3.5 ईयर्स। आप जो पीस हैं स्पाइस एंड ग्रिल में? हाँ जी। तो ये क्या सोच के आपने नाम रखा था ये जी? हमने नाम रखा था, हमारे एक नफीस शाह साहब थे, बुज़ुर्ग हैं, ठीक है, तो अब तो उनकी वफ़ात हो चुकी है, तो ये हमने उनके नाम पर इसको जो है वो बनाया। माशाल्लाह। तो यार आपके पास क्या क्या खाने के लिए है कि काफ़ी लोग पसंद करते हैं आपका टेस्ट? क्या खास क्या टेस्ट? हमारे पास सबसे बेहतरीन हमारे पास पराठा रोल, हमारा बहुत जो है वो रनिंग में चलता है, बहुत अच्छा चलता है। उसके बाद ग्रिल बर्गर्स हैं, ग्रिल में हमारे पास बीफ बर्गर स्पेशल है, ठीक है, बीफ स्पेशल है। उसके अलावा चिकन ग्रिल्स हैं, उसमें 4 फ्लेवर्स हैं। पैटी हमारा होम मेड है, उसको हम खुद बनाते हैं, कैंडेंस वगैरह का हम यूज़ नहीं करते, ठीक है। जिंगर हमारा अपना है, ठीक है, हर चीज़ जो हम बनाते हैं फ्रेश डेली बेसिस पे वो तैयार की जाती है। तो मैंने आपको देखा है, रेट भी बड़ा मुनासिब है। हाँ, रेट इसलिए मुनासिब है कि एक्चुअली एक तो प्रॉपर्टी हमारी अपनी है, ठीक है, और शेफ हम खुद हैं, ठीक है, दैट्स व्हाई हम थोड़ा सा। तो इससे पहले कोई आप काम करते थे या जॉब करते थे, स्टडी करते थे? इससे पहले भी हमारा रेस्टोरेंट था, लेकिन वो फ्यू ईयर्स बैक तकरीबन 2002 में। उसके बाद मैं जॉब्स वगैरह हम करते थे, बेसिकली मैं कॉल सेंटर में भी जॉब मैं करता रहा हूँ, ठीक है, तो अब तकरीबन 3.5 साल से मैं अपना रेस्टोरेंट चला। माशाल्लाह। तो यार ये अब मैं देख रहा था आपके पैटी बर्गर है। हाँ जी, हाँ जी। दूसरों को तो पैटी बर्गर होता है ना, वो कैनन की बीच में टिक्की डाल देते हैं, तो आपका पैटी बर्गर में क्या खास बात है? पैटी बर्गर, पहली बात तो ये है कि पैटी बर्गर का जो खाली वेट है ना वो 120 ग्राम्स से ऊपर है, 120 ग्राम से एक पैटी का वेट ऊपर है, ठीक है, और इस खुद इसको हम तैयार करते हैं, और इसमें हर चीज़ ए ग्रेड की इस्तेमाल होती है, ठीक है, लाइक इसमें हमने जो भी इस्तेमाल करना है, कोटिंग करनी है, इसके अंदर मसाले जो है वो ऐड करने हैं, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, हर चीज़ जो है वो हमारी ए ग्रेड की इस्तेमाल करते हैं। बहुत बहुत मेहरबानी यार, अल्लाह आपको कामयाब करें। जी ये हमारे लोडेड फ्राइज हैं, स्पेशल फ्राइज हैं, इसमें मशरूम, एलेपिनो, मस्टर्ड सॉस, मायनीज वगैरह ऐड होते हैं, और फजीता सॉस ऐड होती है, मस्टर्ड सॉस ऐड होती है, और चीज़ फ्राइज ऐड होते हैं। जी हमारे स्पेशल लोडेड फ्राइज हैं, इसमें मशरूम एलेपिनो ऐड होंगे, गार्लिक सॉस ऐड होगी, मस्टर्ड सॉस ऐड होगी, मायो ऐड होगी। और अब इसमें फजीता सॉस ऐड करेंगे, ये लोटस फ्राई। वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम क्या है? अली। अली भाई, तो आप यहाँ पर आए हैं नफीस पे, तो आपको इनका टेस्ट कैसा लगता है? नफीस पे मुझे 1 ईयर हो गया है आते हुए, और टेस्ट इनका गुड, एक्सेलेंट टेस्ट है, और सबसे बेहतर चीज़ ये है कि ये सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं और हर चीज़ ब्रांडेड रखते हैं।
कोई ये लोकल चीज़ नहीं रखते, और इनके लोडर फ्राइज बहुत ज़बरदस्त हैं, आप भी टेस्ट करें बल्कि। और फ़िश बर्गर भी इनका बहुत अच्छा है, जो वाकई खाने के काबिल है। ये ऐसी जगह पर बैठे हुए जहाँ पर किसी को पता नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इनका काम ऐसा चलाया कि तकरीबन आधा जो है इस्लामपुरा से लेके MU कॉलेज तक सब लोगों को पता है कि ये ब्रांड की एक शॉप है, एक दुकान है, ज़बरदस्त किस्म का इनका फूड है जो कि मज़ेदार है हर चीज़। लेकिन लोटर फ्राइज और फ़िश बर्गर इनका बहुत ज़्यादा अच्छा है, एक्सेलेंट टेस्ट है। तो ये देखें, हमने नफीस ग्रिल एंड स्पाइसेस यहाँ से लिए, इनका पैटी बर्गर, पैटी बर्गर चेक करें। तो ये है यहाँ से लिए हमने लोडर फ्राइज, यार काफ़ी फेमस है इनके लोडर फ्राइज यहाँ पर। तो ये हम टेस्ट भी करेंगे और आपको भी बताएंगे इनके लोडेड फ्राइज। पैटी बर्गर ये उध तैयार करते हैं, पैटी बर्गर दूसरों में तो उध रेगुलर पैटी भी लगाते हैं, लेकिन ये है उध पैटी तैयार करते हैं। और भाई आपको यहाँ आकर कैसा लगा है, और लोडेड फ्राइज का ये स्पेशल पैटी आपने खाया कैसा लगा आपको? तो यार फ्रेंड्स, यकीन माने लोडेड फ्राइज तो बहुत कमाल के थे, मैंने आज तक ऐसे फ्राइज नहीं खाए। तो इनका पैटी बर्गर बहुत कमाल था, बहुत ज़बरदस्त था। तो हम आपको रेकमेंड करेंगे दोनों भाई के, हम साहब नवीन साहब या यहाँ पर आए, उन्होंने भी टेस्ट किया, उनको भी काफ़ी मज़ेदार लगा। हम तीनों आपको यहाँ पर रेकमेंड करेंगे एक बार सलामपुर में और अबू बकर रोड में आए, और यहाँ पर आकर नफीस ग्रिल एंड स्पाइसी बर्गर खाएं। इनके पास काफ़ी मज़ेदार और दूसरी वैराइटीज भी हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपको। सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर तो लाजमी करें। मिलते हैं इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।